आजकल के जनरेशन में बहुत गैप हो गया है, बहुत सी बातें हैं जो हमें लगता है कि हमें हमारे टाइम पर नहीं पता थी, लेकिन जो आज की जनरेशन है उन्हें पता है। ऐसा क्यों हो गया है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। आजकल का जो जनरेशन का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सब लोग हैं हायर वर्ल्ड से भी पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो समय है 2012, ये समय के लिए बहुत सारा आत्माएं वेट कर रही है। सभी गैलेक्सी से, सभी स्टार सिस्टम से, अदर गैलेक्सी से सब लोग धरती में पैदा होना चाहते हैं, क्योंकि धरती में ये समय में स्वर्ग होने वाला है। इसी जी की वजह से वो सब लोग इस समय में चुन के पैदा हुआ। जो 1975 उस पास में जो लोग पैदा हुआ है उस बच्चे को कहते हैं इंडिगो चिल्ड्रन। जी जो 2000 का आसपास में जो पैदा हुआ है ये लोग हैं क्रिस्टल चिल्ड्रन। अभी रेनबो चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। ये सब लोग ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी लोगों लेकर से आया है, जी इसी की वजह से वो लोग इस टेक्नोलॉजी को आसानी से अडॉप्ट कर पा रहे हैं। जी इसलिए मोबाइल फ़ोन को देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है आराम से वो लोग जानकारी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं वो लोग, कोई भी चीज़ बताएंगे तो उसको ग्रास्प करने की कैपेसिटी है। जी इसी समय के लिए वेट कर रहे हैं बहुत सारे ऋषि लोगों ने, महर्षि लोगों ने। तो ये सभी ऋषि लोगों को, महर्षि लोगों को क्यों वेट कर रहे हैं कि 2012 कब आएगा, ये संधि काल कब आएगा, 2030 तक सतयुग आने वाला है, इस समय में हमको पैदा होना है, हम भी तरक्की करना है। इसी के लिए ये 2012 में जो फोटन बैंड आ रही है, इस फोटन बैंड में एंटर करने के बाद ये धरती सतयुग होने वाली है, ये पता चला है। इसी की वजह से सब लोगों ने ये धरती में पैदा होना शुरू हो गया। इसी की वजह से इधर का जो जनरेशन है बहुत एडवांस लेवल में है।